देखने वाले हैं, किंतु लकार के कुल 10 रूप होते हैं जिसमें से मुख्यतः 5 रूपों के बारे में पढ़ा जाता है, जिसका पहला रूप जो कि है लट लकार, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, और इसका अंग्रेजी रूप है प्रेजेंट टेंस। आज हम लट लकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं, किंतु लट लकार का भी एक प्रमुख अंग है जिसका नाम है धातु रूप। बिना धातु रूप के उपयोग किए बिना हम लट लकार के नियमों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए धातु रूप के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए अब धातु रूप के बारे में जानते हैं। धातु रूप से पहले क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया अर्थात कर्म कार्य, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं, यह धातु रूप की परिभाषा है। अब लट लकार के नियम की तरफ चलते हैं। ऊपर की तरफ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है। एक वचन का अर्थ होता है एक के बारे में बात करना, द्विवचन का अर्थ होता है दो के बारे में बात करना, और बहुवचन का अर्थ होता है दो से अधिक के बारे में बात करना। बाई तरफ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। अंग्रेजी में जैसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में हम फर्स्ट पर्सन के लिए उत्तम पुरुष का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड पर्सन के लिए मध्यम पुरुष का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन के लिए प्रथम पुरुष का इस्तेमाल करेंगे। यह थोड़ा सा यहाँ विपरीत होता है। अब हम नियम की तरफ चलते हैं। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में ती जुड़ जाता है, द्विवचन में तह जुड़ जाता है और बहुवचन में अंति जुड़ जाता है। मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में सी जुड़ जाता है, द्विवचन में थ जुड़ जाता है और बहुवचन में थ जुड़ जाता है। उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में आमी जुड़ जाता है, द्विवचन में आवह जुड़ जाता है और बहुवचन में आमह जुड़ जाता है। तो चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं इन नियमों के अनुसार।